एवरीवन, आप सभी का IBTS में मैं रोशनी गौतम आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ है, हरियाणा कांस्टेबल वैकेंसी आने वाली है। स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, आपको फरवरी में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगा हरियाणा में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस या फिर कोर्सेज या फिर अपनी तैयारी करने के लिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी हरियाणा कांस्टेबल वाले कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस हुई है, यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख रहे हैं, आपको न्यूज में दिख रहा है ये आ चुका है, तो आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जिसने किया है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी आउट की जाएगी। पोस्ट है कॉन्स्टेबल, 6,000 से वैकेंसी होगी। सरकारी जॉब है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास, अगर आपने 12th पास किया है या फिर हरियाणा का, ओके, 12th पास प्लस CET, हरियाणा का CET क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अभी हमें फर्दर आपको बताऊंगी। एज आपका 18 to 25 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस है। स्टूडेंट, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चेंजेस है? पहले आपका मेजरमेंट होगा, देन आपका रिटर्न एग्जाम होगा। पहले रिटर्न एग्जाम होता था, फिर आपका मेजरमेंट होता था। अब ये चेंजेस हुए, पहले मेजरमेंट होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कांस्टेबल बन सकते हैं। ये वेबसाइट है जहां पर आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे। वैसे यूट्यूब चैनल, IBTS यूट्यूब चैनल पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट, जैसे ही आता है वैकेंसी, आपको फर्स्ट टाइम IBTS पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6,000 है, तो मेल का 5,000 है, तो फीमेल का 1,000 है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा है। स्टूडेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th पास होने चाहिए प्लस हरियाणा का CET होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। ओके, यहाँ पर आपकी सैलरी यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी। स्टूडेंट, इस सैलरी को देख के ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, किस प्रकार से होगा। फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें 94.5% का वेटेज होगा। 5.5 का आपका होगा NCC का, NCC का 3% मिलेगा, और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया से अगर करते हैं तो 2.5% मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम का 94.5% वेटेज है, प्लस आपका जो है ये न्यूज़ में भी आपको फर्स्ट पेज पर देखने को मिला। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगी यहाँ पर इस प्रकार से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से पहले मेजरमेंट, फिर PET फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर आप कांस्टेबल बन सकते हैं। इस प्रकार से फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट 2024 में आपका हाइट, ये मेल जनरल के लिए है, रिजर्व के लिए, फीमेल जनरल के लिए है, रिजर्व के लिए हाइट। वही चेस्ट जो है यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हरियाणा यहाँ पर फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, रेस आपका कितना, टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए मेल के लिए, कितने मिनट में होना चाहिए, फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, कितने मिनट में, या एक्स सर्विसमैन है तो कितने किलोमीटर और कितने मिनट में होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्वालिफाई करते हैं दोनों को, देन आप रिटर्न एग्जाम देंगे। रिटर्न एग्जाम आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, जिसका वेटेज अभी बताया था 94.5 मार्क्स वेटेज होगा यहाँ पर मार्क्स का होगा। ओके, और जो 5.5 का है वो आपका NCC और इकोनॉमी, जो सोशल इकोनॉमिक क्लासेस हैं उनके होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, एक जो क्वेश्चन होगा अगर करेक्ट करते हैं तो आपको 0.945 मार्क्स मिलेंगे। ओके, 0.945 मार्क्स मिलेंगे। 90 मिनट का ये पेपर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जनरल स्टडी आएगी, जनरल साइंस होगा, करंट अफेयर होगी, जनरल रीजनिंग होगी, मेंटल
एप्टीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का भी होना चाहिए स्टूडेंट। इस प्रकार से सारे सिलेबस होंगे। 100 क्वेश्चन होगा, मार्क्स 94.5 मार्क्स होगा, और 90 मिनट दिए जाएंगे इस प्रकार से स्टूडेंट। तो एक जो क्वेश्चन का होगा 0.945 मार्क्स होगा, 90 मिनट में आपको करना होगा। इस प्रकार से ये सारे होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोर्सेज भी IBTS यूट्यूब चैनल पर आपको कोर्सेस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। मैथ्स के ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं, तो उनको आप रेगुलर लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। GS के भी आपको देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर आप सिस्टमेटिक वे से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेस अवेलेबल है। आपको कोर्सेस कराया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, टेस्ट क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, PYQs कराया जाएगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी आई है स्टूडेंट, बट आपकी कंपटीशन भी होनी चाहिए। आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं तो कॉन्स्टेबल, अच्छा खासा यहाँ पर सैलरी होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मिलेंगी। इसकी नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF के लिए हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।